तारे जमीन पर, एक ऐसी फिल्म जिसने करोड़ों बच्चों के लिए अपने पेरेंट्स से बागबान का बदला लिया। बचपन में ईशान अवस्थी की पेंटिंग्स देखकर मैंने भी सोचा कि आखिर मैं भी पेंटिंग करना सीख ही लूं। मैं मजनू भाई जितना अच्छा आर्टिस्ट तो नहीं बन पाया, पर उसके कुछ ही साल बाद 2011 में आई धोबी घाट, इस फिल्म में भी आमिर खान पेंटर बने थे और मुझे सच में लगने लगा था कि आमिर खान बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं। अंटिल आई फाउंड आउट कि तारे जमीन पर के क्लाइमैक्स में ईशान अवस्थी और रामशंकर निकुम की जो वाटर कलर पेंटिंग्स थी उन्हें बनाया था आर्टिस्ट समीर मोंडोल ने, जो इंडिया के सबसे जाने माने वाटर कलर आर्टिस्ट में से एक है। सिमिलरली फिल्म धोबी घाट के लिए आमिर खान की पेंटिंग्स बनाई थी रवि मांडलिक ने। आप समीर मोंडोल _ वाटर कलर एंड आर्टिस्ट _ रवि मांडलिक इन इंस्टाग्राम हैंडल्स पर इन आर्टिस्ट के काम को और एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक पेंटिंग दिखाऊंगा जिसे बनाया है एक बहुत ही फेमस एक्टर ने। कमेंट्स में मुझे बताइए कि ये पेंटिंग किसने बनाई है।